चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शेयर मार्केट डायरीज के एक और नए एपिसोड में। मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मार्केट को नापने के एक ऐसे पैरामीटर की जिससे हम मार्केट में ट्रेड होने वाले बिजनेसेस, व्यापार या धंधों की हम हेल्थ चेक कर सकते हैं, और वो पैरामीटर है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके नुकसान हैं, आज इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम इस बाजार की कंपनियों की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में फंडामेंटल एनालिसिस हमें उस कंपनी की, उस व्यापार की एक असली हेल्थ बताता है। हम इसको एक हेल्थ चेकअप भी बोल सकते हैं। इसको अगर हम एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो ऐसे मान लीजिए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, और उस विवाह को करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने एक पुरोहित जी से कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने मुझे एक कोई रिश्ता बताया, और जब उस रिश्ते की मैंने पड़ताल शुरू करी तो मैंने ये पाया कि जिस लड़के से मेरी बेटी का विवाह होना है उसके पिताजी एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका समाज में एक अच्छा रुतबा है, परिवार बहुत अच्छा है, उनके जो बड़े भाई हैं वो किसी हाई कोर्ट के जज हैं या किसी सरकारी ओहदे में बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं या कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस लड़के की बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है या वकील है या कोई अच्छी नामी, वो भी एक हस्ती है, उनके बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उनका अच्छा बैंक बैलेंस है, और एक वो समाज में अच्छे रुतबे वाले लोग हैं। इन सब चीजों के अलावा मैंने उस लड़के की एजुकेशन के बारे में पता किया, उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया कि उसने कहां से एजुकेशन ली, कितना पढ़ा लिखा है, आज अगर अपने पिताजी के साथ बिजनेस संभाल रहा है या कहीं किसी ओहदे पर जॉब कर रहा है तो कितना कमाता है, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें मैंने जब इवेल्युएट करनी शुरू करी तो बेसिकली ये मैं सब उस लड़के के फंडामेंटल्स को ही इवेल्युएट कर रहा हूं, जहां पर मैंने अभी तक मैं उससे मिला नहीं हूं, और मैं उसकी एक पिक्चर जो पुरोहित जी ने मेरे को बताई उसके खानदान और उसके बारे में, उन सब चीजों को इवेल्युएट कर रहा हूं। तो जब मैं इस पूरी पिक्चर को इवेल्युएट करता हूं तो मैं यहां पर ये पाता हूं कि उस लड़के का परिवार, उस लड़के का खानदान, उस लड़के का बैकग्राउंड या उस लड़के की एक हैसियत बहुत अच्छी है। तो ये उसके एक फंडामेंटल हैं जो मुझे बता रहे हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक इसी प्रकार से जब मैं किसी कंपनी का चुनाव करता हूं और वहां पर मैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाना चाहता हूं, और वहां पर जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूं, तो यहां पर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी नजर में रखता हूं। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर सबसे पहले प्रमोटर आते हैं, उस कंपनी को जो लोग चला रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या विजन है, उनकी क्या सोच है उस कंपनी को लेकर के, ये मुझे जानना जरूरी है, एक फंडामेंटल का पार्ट आता है। दूसरा मेरे को यहां पर ये आता है कि जब वो कंपनी जिस सेक्टर में है, क्या वो सेक्टर ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, क्या उस सेक्टर की आगे आने वाले समय में ग्रोथ आनी बाकी है या हो चुकी है, अगर वो कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में काम भी कर रही है तो क्या उस कंपनी का मार्केट शेयर इतना है, क्या उस कंपनी की इतनी प्रोडक्ट की वर्थ है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की ऐसी क्वालिटी है कि वो उस ग्रोथ को कैप्चर कर पाएगी और उस ग्रोथ का बेनिफिट ले पाएगी। इस तरीके के ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं। ठीक उसी तरीके से जब मैं एक लड़के का चुनाव करने के लिए जा रहा था तो मैंने उसके परिवार को, उसके घर के मॉड्यूल को इवेल्युएट किया, और यहाँ पर मैं कंपनी खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर रहा हूँ, इसके मॉड्यूल को चेक कर रहा हूँ, और फंडामेंटल को चेक करने का तरीका ये है, जैसे मैंने भी आपको 3-4 पॉइंट बताए, प्रमोटर की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, सेक्टर की नॉलेज, इन सबको जब मैं इवेल्युएट करता हूं तो बेसिकली मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर ये आता है कि जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने जाता हूं तो ऐसे वो क्या 4-5-6 पॉइंट हैं जिनको मैं इवेल्युएट करूं, जिनसे मैं एक फिगर पर पहुंचूं और ये पता लगा सकूं कि वो कंपनी की आज की कंडीशन हेल्दी है और वो आने वाले समय में भी हेल्दी रहेगी और वो सस्ती भी हो और एक जेन्युइन प्राइस पर ट्रेड कर रही हो, ताकि
उसी प्राइस पर मैं उसको खरीदूं और एक ग्रोथ होने पर उस कंपनी के जब भाव बढ़ेंगे तो वहां पर अपना प्रॉफिट कमा सकूं। उसको चेक करने के दोस्तों यहां पर कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि पीई एक पैरामीटर होता है जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशो के नाम से जानते हैं। दूसरा पैरामीटर ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर इसको बोला जाता है। तीसरा फैक्टर पीबी होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। चौथा पॉइंट होता है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, वो कंपनी कितना दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रही है, जिसको हम आरओई के नाम से जानते हैं। ऐसे कुछ मोटे मोटे 6-7 फैक्टर्स हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसको हम जज करते हैं और उससे हम उस कंपनी की हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं कि इस समय पर उस कंपनी की हेल्थ कैसी है, उसका कैसा पास्ट रिकॉर्ड रहा और आने वाले फ्यूचर में अगर मैं उसके शेयर्स खरीदता हूं तो एक शेयर होल्डर को किस तरीके से वो बेनिफिट पहुंचाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे 5-7 फैक्टर्स हैं जिसको इवेल्युएट करके, जिसको जान करके मैं उस कंपनी की हेल्थ चेक कर सकता हूं, उसके फंडामेंटल के बारे में पता लगा सकता हूं। अब तीसरा सवाल यहां पर ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर किन लोगों के लिए ठीक है, किन लोगों से मेरा मतलब यहां पर है कि यहां पर तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास बाजार में, इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। इन तीनों में से किसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करना फायदेमंद है? तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर को फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए और बहुत छोटे मुनाफे के लिए काम करते हैं। बेसिकली ये ट्रेडर कम्युनिटी है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर कम्युनिटी देखती है, जो लोग कुछ खास पैसा, कुछ खास लंबे समय के लिए, खास रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस की पहचान होनी चाहिए, उन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली में करना चाहिए, उन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस की समझ रखनी चाहिए। अगला सवाल दोस्तों हमारे मन में फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का बेनिफिट क्या है? तो जैसा अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस से आपको उस कंपनी की आज की हालत पता चल जाएगी कि कंपनी आज क्या कर रही है और आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर है, जो कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंपनी जो दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट्स में, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी कंपनी ने, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है और अगर कंपनी उसी हिसाब से चलती रही तो आने वाले समय में मैं ये प्रोजेक्शन कर रहा हूं कंपनी आगे और ग्रोथ बढ़ेगी और मेरा पैसा भी बढ़ेगा, तो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक जो बेनिफिट है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, वो एक इन्वेस्टर कम्युनिटी को है और ये मोटा मोटा उसका फायदा उसको मिलता है। अब दोस्तों लास्टली एक बात यहां पर ये करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या नुकसान भी है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का कि फंडामेंटल एनालिसिस, जैसा मैंने अभी-अभी कहा, हमें एक उसकी पिक्चर दिखाता है पास्ट की और करंट की और फ्यूचर प्रोजेक्शन करने की हमें थोड़ी सी जानकारी देता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये नहीं बताता कि किस भाव पर वो कंपनी अच्छी है। इसका क्या मतलब है, यहां पर एक एग्जांपल देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही के नाम लिया जा रहा है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मान लीजिए हम एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अच्छे फंडामेंटल हैं, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, उनका कारोबार बहुत अच्छा है, उनका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, उनका कोई कॉम्पिटिशन भी खास नहीं है और वो एक अच्छी खासी कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज किस भाव पर लेना अच्छा है, क्योंकि मुझे वो कंपनी बाय करनी है, मुझे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, तो फंडामेंटल एनालिसिस मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग में मदद करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता किस भाव पर वो वैल्यू इन्वेस्ट, जो मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं वो उसकी ठीक वैल्यू है या नहीं है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, मान लीजिए आज की डेट में मैंने उसके फंडामेंटल चेक किए कि बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है और वो 1600 रुपए के भाव पर आज वो मान लेते हैं कि वो ट्रेड हो रहा है, तो 1600 के भाव पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पर शेयर क्या फायदेमंद है, या 1000 रुपए पर फायदेमंद है, या 2000 रुपए पर फायदेमंद भी होगा जब ये भाव 2000 रुपए आ जाएगा, या ये भाव मैं वेट करूं कि 500 रुपए आएगा तब एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बता पाता, जो सबसे बड़ी कमी है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, कि हमें ये एक अच्छी पहचान करना सिखा देगा लेकिन किस भाव पर हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये नहीं बता पाता। ये जो इसका सबसे बड़ा लूप पॉइंट है। दूसरा जो एक लूप पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ है दोस्तों, वो ये कि हम जो भी यहां पर एक वैल्यूएशन पता लगाते हैं वो हम एक
कागज के बेस पर पता लगा रहे हैं, और वो कागज बेसिकली एक बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट को हम इवेल्युएट करके बहुत सारी फिगर्स पे पहुंचते हैं कि वो फिगर्स हमारे फायदे की हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग उनमें करना फायदा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत बारीकी से देखने वाली चीज है दोस्तों, वो ये बैलेंस शीट तैयार करने वाले लोग जिसके बेस के ऊपर मैं एक फिगर पे पहुंचूंगा और अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा, वो कागज तैयार करने वाले लोग उस कंपनी के ही हैं। तो क्या ये कागज जो तैयार किया गया है, ये बैलेंस शीट जो तैयार की गई है, बिल्कुल सही मापदंडों पे करी गई है या नहीं करी गई है, या उसके अंदर भी कोई झोल झमला है? क्योंकि आजकल हम ऐसा बहुत जगह पर देखते हैं कि कंपनी में हो कुछ हो रहा होता है और वो कागजों में कुछ और दिखा रही होती है, और एज अ लेमैन, एज अ छोटा मोटा इन्वेस्टर, हम कंपनी में जाकर के तो पता लगा नहीं सकते कि उन्होंने जो कागजों में दिखाया है वो कितना सच्चाई है। तो यहां पर एक फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम आपको अपनी थोड़ी सी समझ, अपनी शार्पनेस ये रखनी पड़ेगी कि जिस कागज के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कागज में दिखाई हुई चीजें कितनी सही हैं, इसकी हमें थोड़ी सी ठोका पीटी करनी पड़ेगी। ठोका पीटी से मेरा मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि उसकी एक क्रॉस चेकिंग हमें करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने सही क्रॉस चेकिंग कर ली है तो वो जो कागज बैलेंस शीट के रूप में हमारे सामने है और जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड पहुंचा सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस के अंदर कि वहां पर जो बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है उसके फंडामेंटल अच्छे दिखाने के लिए कई बार वो चीजें एक्चुअल में नहीं होती हैं। तो ये भी एक गौर करने वाली चीज है और एक छोटा सा लूप पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये भी है। अब ये ठोका पीटी कैसे करनी है दोस्तों, और फंडामेंटल के इन्हीं 5-7-8-10 पॉइंटों को डिटेल में कैसे समझना है, इस पर हम आने वाले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज हमने इस एपिसोड में बात करी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके का और कंटेंट और डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले दिनों में हम और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने शेयर मार्केट डायरीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।